दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन आपको देखने में भी लग रहा होगा। इसी मॉडल पर डिस्कस करेंगे जिसका साइज है 35x50 फिट। हालांकि जो आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं ये पूरा एक बेहतरीन सा लुक एक झोपड़ी टाइप का है और इस घर को एक बेहतरीन सा लुक देता है। इसी मॉडल पर डिस्कस करेंगे। बने शोरूम लगातार, मैं हूँ पवन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने भी स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। दोस्तों इस चैनल पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते हैं, घर से रिलेटेड हो या किसी अन्य से, तो यहाँ पर आपको लगातार मॉडर्न हाउस मिलते रहते हैं जो आप बनवा सकते हैं देखकर। तो इसी प्लान को डिस्कस करेंगे, मैं इसका कॉस्ट भी बताऊँगा कि इसका कॉस्ट कितना होने वाला है। तो सबसे पहले जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर ही मैंने फ़िलहाल यहाँ पर एक फ्लोर ही डिज़ाइन किया है और ज़्यादा चीज़ें डिज़ाइन नहीं की हैं, कि जो भी टाइप का भी आप देख पा रहे होंगे। तो अगर हम फ्रंट के एलिवेशन की बात करें तो फ्रंट के एलिवेशन ये है, ये आपका एक गुमटी और ये फ्रंट में दो मैंने रूम क्रिएट किए, अभी मैं दिखाऊंगा। उसके लिए विंडो बाहर से दिया है और ये मेन डोर है, ये आप देख पा रहे होंगे। जब यहाँ से एंट्री करेंगे तो जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर पर अगर आपको ले चलूँ यहाँ से एंट्री करते हैं तो ये जो एरिया है ये लगभग 18 फिट है। अगर आप कार पार्किंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए चारों तरफ से मैंने क्लोज कर रखा है ये फ्रंट के एलिवेशन। अब इसका जब मेन डोर से एंट्री करते हैं तो आप आ जाते हैं हॉल में। हॉल से आपको चारों तरफ से एंट्री मिल जाती है जिसमें 4 बेडरूम आपको देखने को मिलते हैं। चारों कॉर्नर पर आपको बेडरूम है और हर एक बेडरूम के अलग विंडो और अलग अलग डोर मैंने दिया है। सामने की बात करें तो बड़ा सा किचन आपको मिल जाता है, लगभग 10x10 का किचन है। लेट एंड बाथ की बात करें तो ये आपका लेट एंड बाथ है। इधर आपका स्टेयर है जिसके माध्यम से आप ऊपर जाएंगे, उसी के नीचे आप स्टोर रूम बना सकते हैं। तो ये पूरा प्लान 4 बेडरूम के साथ किचन, लेट बाथ, स्टेयर, कार पार्किंग और फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको बेहतरीन सा देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर के बाद जो फर्स्ट फ्लोर है कुछ भी मैंने डिज़ाइन नहीं किया है, गुमटी भी मैंने नहीं बनाया है। ये चारों तरफ आपका बाउंड्री 4 फिट का। फ्रंट के एलिवेशन की बात करें तो फ्रंट का ये देखिएगा आप रेलिंग देख पा रहे हो क्योंकि मैंने सिंपल सा स्टाइलिश से बनाया है। वेंटिलेशन की बात करें घर के तो फ्रंट के दोनों बेडरूम के लिए अलग अलग मैंने विंडो दिए हैं और अंदर वाले बेडरूम की बात करें तो हॉल में आप बीच में एक बड़ा सा जाल रखवा सकते हैं, प्रॉपर तरीके से छत के माध्यम से आपका धूप और हवा आता रहे, इससे पूरा पास होगा। तो यही पूरा मॉडल 35x50 फिट का था। अब अगर इसके हम कॉस्ट की बात करें तो मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड मतलब कि बनाया है दोस्तों, उस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका नाम स्मॉल हाउस प्लान है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाएँ, उस एप्लीकेशन से प्रत्येक चीज़ का आप कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस मॉडल को ये पूरा कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताएं, अपना ओपिनियन दें। और अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप पेड सर्विस इस्तेमाल करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं आप हमसे, लेकिन तभी कॉन्टेक्ट करें जब आपको घर बनवाना हो और आप 50% वहाँ पर, क्योंकि आपको पेमेंट एडवांस देना होता है, अन्यथा आप कॉन्टेक्ट ना करें। तो इस मॉडल को ही ब्रेक करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव है, आपका कोई कमेंट है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।